यदि इसमें से सारी हवा निकाल दी जाए तो यह हवा से भी हल्का हो जाएगा। टीन से लगभग 900 गुना अधिक मजबूत होता है। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसकी खोज की वजह से लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। चेलिस्क रूस में लगभग एफिल टावर जितना बड़ा एक एस्टेरॉयड धरती के वातावरण में घुसता है। इस चुंबक की तीव्रता 45 टेस्ला है, जो कि हमारी पृथ्वी से बिलियंस ऑफ टाइम अधिक तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र है। तो उसके दिल की धड़कन, धमनियों में बहता हुआ खून, फेफड़ों की आवाज सबको सुनाई देता है, और यह सब सुनना एक नॉर्मल इंसान को पागल बना देता है। यह किलर सिर्फ वैश्य महिलाओं की हत्या करता था। दुनिया की एकमात्र अजीबो गरीब पहाड़ी जो कि हमेशा अपना रंग बदलती रहती है। यह है दुनिया का सबसे हल्का और सबसे कम घनत्व का ठोस पदार्थ। इसका नाम है एरोजेल। एरोजेल का आयतन हवा से कुछ अधिक या इसके बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि एरोजेल 99.87% हवा का बना होता है। यदि इसमें से सारी हवा निकाल दी जाए तो यह हवा से भी हल्का हो जाएगा। वर्ष 1931 में इस पदार्थ को एरोजेल टेक्नोलॉजी बोस्टन के प्रोफेसर सैमुअल क्रिस्टलर और उनके सहपाठी चार्लिस लाइन द्वारा बनाया गया था। साधारणतः इसे जेल से बनाया जाता है। जेल तरल और ठोस पदार्थ का मिश्रण होता है, जिसमें तरल पदार्थ अत्यधिक मात्रा में होता है और ठोस जेल सिर्फ 1% ही होता है। यदि इसका नैनो स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह दिखेगा। एरोजेल बनाने के लिए जेल से लिक्विड या तरल पदार्थ को निकाल दिया जाता है और उसकी जगह हवा भर दी जाती है, जिससे यह अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है। सैमुअल क्रिस्टलर ने इस पदार्थ को बनाने के लिए जेल को हाई टेम्परेचर और प्रेशर की उपस्थिति में एक ऑटोक्लेव टैंक में रखा। इस ताप और दाव को क्रिस्टलर पॉइंट ऑफ लिक्विड कहते हैं। इस पॉइंट पर किसी भी पदार्थ को तरल से गैस बनाने में बहुत कम अंतर रह जाता है, और इस स्थिति में तरल अर्ध तरल में या सेमी लिक्विड में बदल जाता है। इसे सुपर क्रिटिकल फ्लड कहा जाता है। अत्यधिक टेम्परेचर की वजह से लिक्विड गैस बन जाता है, और टैंक का दबाव कम कर देने पर सिर्फ 1% एरोजेल का कंकाल या स्केलेटन बचता है। एरोजेल की भीतरी संरचना हवा के आइटम्स से भरी होती है, जिस कारण यह मटेरियल दुनिया का सबसे ज्यादा इंसुलेशन या कुचालकता का गुण रखता है। यह दिखने में शीशे की तरह एक ट्रांसपेरेंट पदार्थ होने के साथ साथ अत्यधिक मजबूत पदार्थ भी होता है। इसी का सब पदार्थ ग्रेफाइन एरोजेल स्टील से लगभग 900 गुना अधिक मजबूत होता है। एरोजेल का बड़ी मात्रा में उपयोग नासा सहित दुनिया भर की सभी स्पेस एजेंसीज अपने स्पेस मिशंस में कर रही हैं। नासा ने अपने मंगल मिशन के दौरान सॉजर्नर स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी रोवर्स में अत्यधिक ठंड से बचाने के लिए एरोजेल का उपयोग किया। नासा एरोजेल का उपयोग सैटेलाइट्स को कॉस्मिक धूल के कणों से बचाने के लिए भी करता है। यह धूल के कण अंतरिक्ष में लगभग 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से स्पेसक्राफ्ट से टकराते हैं। एरोजेल अत्यधिक हल्का और मजबूत होने के कारण धूल के इन टुकड़ों की गतिज ऊर्जा को आसानी से सोख लेता है, और स्पेसक्राफ्ट एक कवच की तरह काम करता है। स्पेस मिशंस में एरोजेल पारदर्शी होने के कारण एक शीशे की तरह भी उपयोग किया जाता है। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसकी खोज की वजह से लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और फिर करोड़ों लोगों की जान बचाई गई। जी हाँ, 1918 में नोबेल प्राइज विजेता जर्मन साइंटिस्ट फ्रिज हेवर ने रसायन के क्षेत्र में NH3 या अमोनिया की खोज की। उनकी खोज से प्राप्त अमोनिया से अमोनियम नाइट्रेट नाम का एक पदार्थ बनाया गया। अमोनियम नाइट्रेट एक अत्यधिक विस्फोटक पदार्थ होता है। इस तरह जर्मन आर्मी ने अमोनियम नाइट्रेट को गन पाउडर और बम एक्सप्लोसिव के रूप में युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया, जिस कारण लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अमोनियम नाइट्रेट इतना विस्फोटक और खतरनाक होता है कि इसका अंदाजा वर्ष 2020 में लेबनान की राजधानी बेरूत में एक अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाली फैक्ट्री में होने वाले भयंकर विस्फोट से लगा सकते हैं। इस विस्फोट में 2,750 टन अमोनियम नाइट्रेट में आग लग गई थी कि इसके 10 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह तबाह हो गया।
इस हादसे में लगभग 217 लोगों की जान चली गई और लगभग 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस हादसे से आर्टिफिशियल अर्थक्वेक या भूकंप लगभग 3.3 तीव्रता का मापा गया था, जिसकी वजह से पूरा शहर हिल गया था। अमोनियम नाइट्रेट एक विस्फोटक होने के साथ साथ एक अच्छा फर्टिलाइजर भी होता है। हमारे खेतों में बार बार अनाज उगाने पर खेतों की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, जिस कारण अनाज उत्पादन में काफी कमी आ जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी पेड़ पौधों में वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। जिस रफ्तार से हमारी धरती की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, खाने की चीजों की भी जरूरत उसी अनुपात में बढ़ रही है, क्योंकि खेतों में अनाज की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग बड़ी मात्रा में हो रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अरबों लोगों का पेट भरता है। पंद्रह फरवरी 2013 को चेलिस्क रूस में लगभग एफिल टावर जितना बड़ा एक एस्टेरॉयड धरती के वातावरण में घुसता है, जिस कारण इसमें भयंकर आग लग जाती है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस एस्टेरॉयड से लगभग 90 सेकंड तक सूर्य से भी ज्यादा चमकदार हो गया और लगभग 30 किलोमीटर धरती के ऊपर जाकर फट गया। इसकी वजह से लगभग 1000 से ज्यादा बिल्डिंग्स तबाह हो गईं और लगभग 1500 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हमारी पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.0005 टेस्ला और एक एमआरआई मशीन की 3 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का चुंबक लगा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा चुंबक कहाँ और इसकी तीव्रता कितनी है? तो यह है नेशनल हाई मैग्नेटिक फील्ड लेबोरेटरी फ्लोरिडा यूएसए। इस चुंबक की तीव्रता 45 टेस्ला है, जो कि हमारी पृथ्वी से बिलियंस ऑफ टाइम अधिक तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र है। यह तीव्रता अभी तक एक गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड है। यह दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट है। आज से लगभग 3000 साल पहले ग्रीक साम्राज्य के मैग्नीशिया जगह पर चुंबकीय पत्थर मिले थे। फिर 11वीं शताब्दी में चीन में दिशा जानने के लिए चुंबक के इन स्टोन्स का उपयोग करके कैंपस बनाया गया। चीन के लोग इस कैंपस का यूज अपनी लंबी यात्राओं के दौरान करते थे। जिस प्रकार चुंबक में उत्तरी या नॉर्थ और दक्षिणी या साउथ पोल होते हैं, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। इस तरह कैंपस की सुई हमेशा साउथ और नॉर्थ पोल की तरफ ही रहती है। इस दौरान हम आसानी से किसी भी अनजान जगह पर दिशा का पता लगा सकते हैं। यह है दुनिया का सबसे शांत कमरा। वाशिंगटन में स्थित माइक्रोसॉफ्ट के मुख्यालय में एक ऐसे कमरे का निर्माण किया था जो दुनिया का सबसे शांत स्थान है, जहां किसी तरह की कोई आवाज नहीं सुनाई देती। और इसकी इस उपलब्धि के चलते कमरे को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया जा चुका है। यहाँ पर इतनी शांति रहती है कि जब कोई व्यक्ति वहाँ पर सांस भी लेता है तो उसके दिल की धड़कन, धमनियों में बहता हुआ खून, फेफड़ों की आवाज सबको सुनाई देता है, और यह सब सुनना एक नॉर्मल इंसान को पागल बना देता है। बहुत बहादुर लोगों ने वहाँ पर रहने की कोशिश की, लेकिन 45 मिनट से ज्यादा कोई भी इंसान वहाँ नहीं रह पाया। इसे लेबोरेटरी एनिकोटिक कक्ष कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यहाँ पर कोई प्रतिध्वनि नहीं होती, क्योंकि कमरा 99.99% ध्वनि को अवशोषित कर लेता है। इस लेबोरेटरी का उपयोग विभिन्न निर्माताओं द्वारा उत्पाद की मात्रा और ध्वनि की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। यहाँ इतनी शांति है कि अगर कोई भी व्यक्ति 45 मिनट से ज्यादा रहता है तो वह पागल हो सकता है। अगर शांति को एक पैरामीटर से मापा जाए तो सोते समय हमारे बेडरूम में 30 डेसिबल शांति रहती है, जबकि इस लेबोरेटरी में -9 डेसिबल की शांति रहती है। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी शांति रहती है। यह 3.3 फुट मोटी फाइबर ग्लास ध्वनि वेज और इंसुलेटेड स्टील और 1 फुट मोटी कंक्रीट की दोहरी दीवारों से बना है।